हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सतुन दुकान। दोस्तों ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन भी इनेबल करें। या आप ये वीडियो Instagram पे देख रहे हैं तो मेरे Instagram को भी फॉलो करें। या आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को भी लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आपके डॉग को कोई पागल डॉग काट ले या वो डॉग काट ले जिस डॉग को एंटी रेबीज ना लगा हो वो डॉग काट ले तो क्या ट्रीटमेंट करें। दोस्तों ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि आपके डॉग के बॉडी में रेबीज ना फैले। रेबीज फैलने से डॉग बीमार हो जाता है और डेथ हो जाता है डॉग का। दोस्तों डॉग को डॉग काट ले तो डॉग के बॉडी में तुरंत रेबीज नहीं फैलता है। रेबीज फैलने में 1 से 1.5 महीना लगता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और किसी किसी डॉग के बॉडी में रेबीज तो बिल्कुल भी नहीं फैलता। जिस डॉग के बॉडी में इम्यूनिटी पावर बरकरार हो उस डॉग के बॉडी में कभी भी रेबीज नहीं फैल सकता है। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट है दोस्तों आपके डॉग को एंटी रेबीज का वैक्सीन लगेगा। 3 वैक्सीन लगेगा। आज एक वैक्सीन का शॉट लगेगा तो 1 दिन गैप करके फिर दूसरे दिन लगेगा, फिर 2 दिन गैप करके फिर तीसरा शॉट लगेगा। ये तो हो गया दोस्तों जब आपके डॉग को कोई डॉग काटा है, छोटा सा जख्म हुआ है तो आप एंटी रेबीज का वैक्सीन का शॉट लगा सकते हो। लेकिन 3-4 डॉग मिलके बहुत ज़्यादा जख्म दे रखा है आपके डॉग को, बहुत ज़्यादा बाइट कर रखा है, आपके डॉग के पेट फाड़ रखा है, आपके डॉग का स्किन फाड़ रखा है, बहुत जगह हर जगह स्किन फाड़ रखा है और आपके डॉग को बहुत पेन फील हो रहा है। तो उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रेबीज के वैक्सीन को स्टॉप करना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, पहले इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपके डॉग के स्किन फाड़ दिया है तो सबसे पहले आपके डॉग को टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। टिटनेस का इंजेक्शन इसलिए देना पड़ेगा आपके डॉग के बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। फिर आपके डॉग को पेन किलर इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके डॉग को बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा जहाँ जहाँ आपके डॉग को बाइट कर रखा होगा, बड़ा सा जख्म दे रखा होगा, बड़ा सा स्किन फाड़ रखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा आपके डॉग को, तो पेन किलर इंजेक्शन का भी यूज होगा। फिर आपके डॉग को एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दिया जाएगा जो जल्दी सा स्किन को ज्वाइंट कर पाए और घाव को भर पाए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन कितने दिन तक देना पड़ेगा डॉग को? हो सके 7 दिन भी देना पड़ सकता है, 5 दिन भी देना पड़ सकता है, 3 दिन भी देना पड़ सकता है। जब आपके डॉग का घाव भर जाए तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन छोड़ देना है। 1 से 2 दिन 3 दिन में तक घाव भरना स्टार्ट हो जाता है तो आपको लगे कि आपका डॉग का स्किन ज्वाइंट हो गया, घाव भर गया है, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा एंटीबायोटिक इंजेक्शन। यदि दोस्तों आपको टैबलेट फॉर्म में देना है मेडिसिन तो टैबलेट फॉर्म भी दे सकते हो, पेन किलर या एंटीबायोटिक टैबलेट। बहुत बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि डॉग को बहुत सारे डॉग ने काट रखा है और डॉग को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है बॉडी में और उसका ऑनर उसको ट्रीटमेंट नहीं करा जिसके कारण से उसका मौत भी हो जाता है। दोस्तों डॉग को ट्रीटमेंट करा के, डॉग को ठीक करके, डॉग को स्वस्थ करके आप एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवा सकते हो। कौन सा ब्रांड का एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना है? कोई भी ब्रांड का एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा सकते हो। कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज करना है, कौन सा पेन किलर इंजेक्शन का यूज करना है और क्या डोज रहेगा, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, पूरा डिटेल जानने के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8757479000। मेरा फी चार्ज है 100 रुपीज़। और हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपके डॉग को बाइट कर रखा होगा वहाँ पे अच्छी तरह से डिटॉल से या सेवलॉन से या लाइबो साबुन से धो लीजिए और वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम का यूज कर सकते हो या एंटीसेप्टिक पाउडर का भी यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ इसी तरह डॉग मेडिसिन रिलेटेड वीडियो और भी आप लोग के लिए लाता रहूँगा।